रेलवे हुकाम का अवाम एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला। अवाम एक्सप्रेस पुराने रूट कराची से लाहौर और लाहौर से पिशावर के माबैन चलेगी। अवाम एक्सप्रेस गुज़िश्ता साल सिंध में आने वाले सैलाब के बायस बंद की गई थी। रेलवे हेडक्वार्टर की कैरेज शॉप हुकाम को 18 बोगियों की तैयारी की हिदायत जारी। अवाम एक्सप्रेस इकोनॉमी क्लास, लोअर ए क्लास और एसी बिजनेस क्लास बोगियों पर मुश्तमिल होगी। अवाम एक्सप्रेस का आगाज आइंदा माह दिसंबर में किया जाएगा। तो रेलवे हुकाम का अवाम एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला सामने आ गया है। अवाम एक्सप्रेस पुराने रूट कराची से लाहौर और लाहौर से पिशावर के माबैन चलेगी। अवाम एक्सप्रेस गुज़िश्ता साल सिंध में आने वाले सैलाब के बायस बंद की गई थी। सईद अहमद सईद हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी सईद जी, बिल्कुल, रेलवे हुकाम का अवाम एक्सप्रेस जो कि गुज़िश्ता साल सिंध में आने वाले सैलाब की वजह से बंद की गई थी, उसको बहाल करने का फैसला है वो कर लिया है। वो इस हवाले से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने कैरेज शॉप को जो है 18 बोगियों की तैयारी के हवाले से हदायत है वो जारी कर दी हैं। और जराय का ये कहना है कि अवाम एक्सप्रेस जो है वो इकोनॉमी क्लास, लोअर एसी और एसी बिजनेस क्लास बोगियों पर मुश्तमिल होगी। और अवाम एक्सप्रेस का आगाज जो है वो आइंदा माह दिसंबर में किए जाने का इम्कान है वो दिया गया है। और हदायत की गई है कैरेज शॉप को कि वो इसी माह के अंत तक 18 बोगियों हैं वो तैयार कर रेलवे हेडक्वार्टर के हवाले करें ताकि दिसंबर में इसका इस्तेमाल है बुक किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद।